एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी, जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बीएसएफ वाले पकड़ेंगे केस करने का अधिकार नहीं है, एसएसबी वाले पकड़ेंगे केस करने का अधिकार नहीं है, क्या करेंगे निहत्था बैठने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट। आप होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूँ कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है, पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है, तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां कर पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं उसको हमें नष्ट करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा, आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। आप इतना क्रोधित नहीं होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होने चाहिए।
परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के सिकंजे के अंदर डालना है। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारों को, एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट लेकर आप अपने अपने राज्य में जिला स्तरीय एनकोर समिति की रचना करें। जिस दिन राज्य के, देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एनकोर समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय एनकोर समितियों को उसका फीडबैक मिलेगा, ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म सभी देशों का बनाए तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। यहीं पर अभी नो मनी फॉर टेरर का पूरे देश भर के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, वहां पर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नारकोटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया है। माननीय हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है और केंद्रीय स्तर पर इसकी ढेर सारी बैठक भी की है। एनसीबी की कैडर को भी हमने पुनर्गठित किया है, 419 पदों का सृजन कर, जिसमें सीनियर ऑफिसर ज्यादा है क्योंकि राज्यों को असिस्ट करना है, इसको हमने आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निदान, उसको भी तैयार किया है और हर केस की चलान और हर केस के जजमेंट को इस पर अपलोड कर प्रोसिक्यूशन के वकीलों के लिए टिप्स भी इस पर उपलब्ध है। और इसके साथ साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के लिए भी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल का डेटा दोनों भी हम साझा कर रहे हैं। माननीय ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और पूरे राज्यों में ड्रग आने का रास्ता कौन सा है और उसके नेटवर्क की संभावनाएं क्या है, उसको भी 472 जिलों में हमने मैप कर राज्यों को भेज दिया है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज, 2 साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 472 जिलों का मैपिंग किया है, सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बने गए, जो सजाएं हुई हैं और जो इंट्रोगेशंस के रिपोर्ट्स आए, ये सबको संकलित करते। मैं इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, कितना भी बड़ा अपराधी है, 2 साल में स्थिति ऐसी आने वाली है, इसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। और ये सुनकर अगर किसी को इसमें से वापिस आ जाना है तो अच्छी ही बात है, आ सकते हैं। माननीय NDPS के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, SSB, आसाम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब BSF को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो BSF वहां क्या करेगी भाई, आप बताइए मुझे क्या करेगी। माननीय ये ऐसा मसला नहीं है, और BSF कौन सी फॉरेन एजेंसी है, हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, BSF वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है, SSB वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है, क्या करेंगे निहत्था बैठकर। जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं।
एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए, हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करे। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनंती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है, इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है मान्यवर। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था, ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था, इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं, और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चलान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा आपको। इसमें ढेर सारे एनजीओ भी जुड़े हैं, मगर ये एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने दे। जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, इस पर सख्त कार्यवाही। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता अब उपस्थित नहीं, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं नहीं मैं सुनिए ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा।